नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि iOS 14.5 का अपडेट कब आएगा और कौन कौन से नए फीचर्स लाएगा। बहुत लोग इस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा iOS 14.5 से रिलेटेड। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर जाए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड, एप्पल के अपडेट से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा यूज़र आईडी है dpk397। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं रखा है आईपैड और ये है आईफोन 6s। तो मैं ये दोनों डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और इन्हीं दोनों को मैं जो है यूज़ करता हूँ अपने जो है एप्पल के अपडेट से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास यही दो एप्पल की डिवाइस हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है ये अपडेट मिलेगा कब। उससे पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूं, जो कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है अभी भी थोड़ी देर पहले की। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बता दूं, आज है 6 अप्रैल, तो आज ही की न्यूज़ है ये कि आपको जो है जो iOS 14.5 का अपडेट है ये आएगा कब। तो ये आपको इसी मंथ में मिल जाएगा, इसी मंथ क्या मैं लास्ट में नहीं, मैं ये मिड में मिल जाएगा, 10-15 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए इसको। क्योंकि गाइस, जो iOS 15 का अपडेट है वो हम लोगों को नहीं, बल्कि जो बीटा वर्जन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जून में आता है। तो हमारे पास टाइम बचा नहीं, सिर्फ अप्रैल ख़त्म होते ही मई लग जाएगा, मई के बाद जून। तो जून में iOS 15 का अपडेट आएगा, जिस वजह से अभी एप्पल जो है iOS 14.4.2 जैसा कि अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेबल वर्जन पे, उसके बाद अभी ये और आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे अभी पहुँचेगा iOS 14.5 पर, उसके बाद 5.1, 5.2, तो इस तरह से अभी जो है 2-3 अपडेट लाएगा। तो हर अपडेट 15 से 20-25 दिन आई थिंक लगा देता है, महीना भर भी लग जाता है इसका जो है अपग्रेड वर्जन आने में। तो अभी टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है एप्पल के पास, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो इन 2 महीनों में iOS 14.5 के ऊपर के जितने भी अपडेट हैं वो क्लियर कर देगा जून तक, और जून तक जो ये आई थिंक ये रोक देगा एकदम, और जून में ही जो बीटा वर्जन इस्तेमाल करते हैं उनके पास iOS 15 का अपडेट मिल जाएगा। तो हम लोगों को जो है एकदम जो पब्लिक वर्जन होता है iOS 15 का, वो हम लोगों के पास सितंबर तक आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आता है, जब उसके नए आईफोन आते हैं तब। फिलहाल हम लोगों को भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बात करें कि iOS 14.5 कब आएगा, तो ये आएगा इसी महीने में, और आएगा भी थोड़ा सा टाइम है, 10-12 दिन और आप लोग मान लीजिए। लेकिन गाइस, इसमें नया क्या है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो है टीम कुक जी ने जो किया है, आपको मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ अभी बताऊँगा, पढ़ के बताऊँगा। यहाँ पर जो है गाइस, एप्पल के जो CEO हैं अपने टीम कुक जी, तो वो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बल्कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता भी होंगी कि एप्पल क्या किया करेगा। गाइस, आपको पता होगा कि एप्पल ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो है रोज़ ऐप स्टोर पे लाखों ऐप जो है अपडेट जो है डाउनलोड होती है। डाउनलोड कहने का मतलब मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ, डाउनलोड नहीं, नई ऐप्स आती हैं, यानी कि लाखों ऐप्स नई आती हैं ऐप स्टोर पर, और वहाँ से कम 40,000 ऐप जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऐप्स होती हैं वो एप्पल के जो है रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, या फिर वो उस तरह से काम नहीं करना चाहती हैं जिन तरह से उनको काम करना चाहिए। तो एक बात ये हो गई। तो iOS 14.5 का जो अपडेट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, इसका जो मेन फोकस है वो आपकी प्राइवेसी को लेकर के होगा, और इसका जो है ट्रांसपेरेंसी ट्रैकिंग पॉलिसी को लेकर होगा। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपकी जब तक आप उसको जो है एग्री नहीं करोगे तब तक आपको वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। अभी बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप होती हैं जो आप उनको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ऐड के ज़रिए आपको जो है ट्रैक करती रहती हैं, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चैट कर रहे हो, सारा कुछ डाटा जो है उनके पास चला जाता है, कुछ ऐप्स हैं। लेकिन जो iOS 14.5 का जो अपडेट आएगा, इस पर बहुत ज़्यादा इसका फोकस रहेगा कि ये कोई भी जो ऐप आप जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, और हर बंदे के पास देखो इतना वक्त होता नहीं है कि वो आपको जो है कोई पूरा डिटेल ऐप की पढ़े और उसके बाद आपको जो है इंस्टॉल करे ऐप को, इतना वक्त होता नहीं हर बंदे के पास, तो वह जो है नॉर्मल से इंस्टॉल कर लेता है और यूज़ करने लगता है। तो iOS 14.5 का जो अपडेट है ये इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखेगा, जितनी भी ऐप्स हैं इनका जो गाइज ये जो सर्विस एग्री करवाती हैं कि जो है हम आपका स्टोरेज ले रहे हैं, हम आपका माइक्रोफोन ले रहे हैं, हम आपका ट्रैकिंग ले रहे हैं, हम आपका लोकेशन ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें जब आप उनको जो है एग्री करोगे, आप सेटिंग में जाके अपनी ऐप ओपन
करोगे, वहाँ पे आप जो चाहोगे जिस ऐप को जो चीज़ें एग्री करवाना चाहोगे, जो चीज़ें आप जिस चीज़ की परमिशन देना चाहोगे वही चीज़ होगी। मान लीजिए आपने कोई भी ऐप जो है डाउनलोड किया, तो वो ऐप आपसे डायरेक्टली सिर्फ ये पूछता था माइक्रोफोन और कैमरा के लिए दो तीन चीज़ें पूछ ली, बाकी जो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे लोकेशन हो गया, ट्रैकिंग चीज़ें, ये सारी चीज़ें होगी आपका जो है वो अपने आप ले लेता था, उसको जो लेना होता था बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना ले लेता था, अपनी परमिशन ले लेता था। लेकिन iOS 14.5 का जो अपडेट आएगा इसके बाद, जो भी ऐप्स आप डाउनलोड करोगे उनमें आप जब तक परमिशन नहीं दोगे किसी भी चीज़ की, तब तक आप जो ऐप होंगी वो आगे जो है बढ़ नहीं पाएंगी, मतलब वो अपने आप से आपकी लोकेशन और आपको जो है ट्रैक नहीं कर पाएंगी अपने आप से, जब तक उनको आप परमिशन नहीं दोगे। तो ये चीज़ मुझे इस अपडेट की बहुत अच्छी लगती है, और एप्पल जो है एप्पल हमेशा अपनी इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखता ही रहता है हमारी प्राइवेसी को लेकर के, तो सारे ऐप्स जो थे उनको तो फिर से ध्यान में रखेगा, और जो भी ऐप्स अभी तक चल रहे हैं उन पर भी एक बार और नज़र डालेगा कि जो है आप विदाउट ऑनर की परमिशन से आप कुछ और तो नहीं यूज़ कर रहे हैं उसका। तो यही सारी जानकारी जो है आपको iOS 14.5 पे मिलेगी, और उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट जल्दी है ताकि हम लोगों सब लोगों का इसका जो है लुत्फ़ उठाना मिल जाए। लेकिन हम लोगों को एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन 6s के लिए एप्पल का जो iOS 15 का अपडेट है वो नहीं आएगा, तो यही एक प्रॉब्लम है। और अभी भी कई दिक्कतें ये हैं कि पता नहीं हमको iOS 14.5 का अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो इसको मिलना चाहिए अभी, जब अभी तो सितंबर तक आएगा पब्लिक वर्जन iOS 15 का, तो अभी तो हमारे पास मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी तो 5 महीने हैं, तो इन 5 महीने में भी काफ़ी सारे अपडेट iPhone 6s के लिए भी आएंगे, लेकिन iOS 15 का अपडेट आई थिंक अब नहीं आएगा, वो तो लिस्ट भी जारी होगी, मैंने पढ़ा था और वीडियो भी बना दी थी आप लोगों के लिए, तो iOS 15 भूल जाइए। फ़िलहाल आप लोग वेट कीजिए iOS 14.5 का, बहुत बढ़िया अपडेट है, जैसे ही आता है मैं अपने चैनल पर उसको जो है वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि एप्पल के अपडेट से रिलेटेड, आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।